भी हाथ में खतियान है, वो आदिवासी है, संथाल है, मुस्लिम है, भगत जी है, मियाँ जी है, इसके बाद बंगाली भाई है, बहुत खतियानी लोग हैं यहाँ, जिसके हाथ में खतियान थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में वही जाएगा। हो गया खिला। आज हम लोग बिहार नहीं जा ढूंढ पा रहे, और यहाँ पर जो मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया है, अरे यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ इंटर पास किया है, वो भी आ जाएगा क्या? जमीन खरीद के यहाँ रह रहे हो क्या? झारखंडी हो गए क्या? ऐसा नहीं चलने वाला है। इसका स्पष्ट नीति बने, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, इसी की लड़ाई है। खतियान तो है ही है यार, खतियान का लड़ाई है कहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद सर। पारसनाथ के मुद्दे पे सर, पारसनाथ तो मैं जा रहा हूँ कल कल जा रहा हूँ, और मैं बता दूंगा जैन मुनि लोगों को। अरे आप आए हो यार, पहले बताओ ना, यहाँ पहले आदिवासी है या आप पहले जैन मुनि आए हो? बोलता है कि हम खरीदे हैं, किसे खरीदे हो? लेकिन आप खरीदे हैं, इसका मतलब है आप बाद में ना आए हो जी, तब खरीद रहे हो। खरीदे हो अच्छी बात है, वहाँ के आदिवासियों ने आपको इतना सपोर्ट किया, इतना मदद किया कि कंधे पर यहाँ पर डोली लेकर के पहाड़ के ऊपर आदिवासी अभी भी लोगों को चढ़ा रहे, इतना बड़ा सहयोग किया। तो आज उसका जमीन को आप मंदिर बनाओगे, धर्मशाला बनाओगे, लकड़ी काटने से बना करोगे, तो ये सब थोड़ा चलने वाला है। इसलिए कल हम जा रहे हैं, और दूसरे दूसरे स्टेट से भी लोग आ रहे हैं, इसलिए अपना औकात में रहे। और सरकार को तो हम ये बता दे रहे, सरकार तो घुटना टेक लिया है, कमिटी बना दिया, सेंट्रल कमिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें भी कमिटी जो देखी, आश्चर्य की बात कि दो जैन मुनि और एक आदिवासी, बोलिए कौन सी का कमिटी हुआ जी? अरे पांच आदमी का कमिटी बनता, पांच आदमी का कमिटी बनता तो उसमें जैन मुनि दो रहते, आदिवासी दो रहते, एक अदर रहते, कोई भी फैसला होता लिया जाता निर्णय इम्पार्शियली। लेकिन ये क्या बना दिया? और हम सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं 25 जनवरी तक वहां के आदिवासी का अधिकार को बहाल करो, और हम 30 जनवरी को उली हतु में बिरसा भगवान के जन्मस्थली में हम उपवास रखेंगे, और 2 फरवरी को भोगनाडी में अमर शहीद बाबा सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली पर वहाँ भी वहाँ पर हम उपवास रखेंगे। इसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।